आप वकील भी हैं शेख साहब के, शेख राशिद साहब तो कहते हैं कि किसी थाने में नहीं है शेख साहब, आपकी तो मुलाकात हुई थी, बताइएगा थोड़ा सा। जी आपको जैसे मालूम है कि कल अदालत के हुक्म के साथ हम शेख साहब से मिलने के लिए गए थे, क्योंकि मुकदमा जो है वो थाना पारा में है, और जब अदालती हुक्म लेके हम थाना पारा पहुँचे तो वहाँ पर हमें ये बताया गया कि आप इंतज़ार करें, थोड़ी देर में आपको मिलवाया जाएगा। तकरीबन 2-2.5 घंटे इंतज़ार के बाद उन्होंने हमें कहा कि हम आपको आपकी मुलाकात नहीं करवा सकते, जब करवानी होगी हम आपको बता देंगे। उसके बाद फिर जब मीडिया पे हमने स्टेटमेंट दी कि हम दोबारा मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जा रहे हैं, क्योंकि मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को वायलेट किया जा रहा है, पहले इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट किया था जब इन्होंने ये मुकदमा दर्ज किया था, और अब हमें हमारे जो हमारा क्लाइंट है उसका हमें कोई अता पता नहीं है, उनकी फैमिली को उनका अता पता नहीं है, ना उनकी अद्वियात हैं उनके पास। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि इन्होंने हमें अचानक कॉन्टैक्ट किया थ्रू फ़ोन कि आप जो है वो अपने थाना सेक्रेटेरिएट में पहुंचे, आपकी वहाँ पे मुलाकात करवाते हैं। तो जब हम थाना सेक्रेटेरिएट में पहुंचे तो वहाँ के इंतजामात से ये वाज़े तौर पे मालूम हुआ कि शेख साहब यहाँ भी मौजूद नहीं थे, किसी और जगह पे रखा गया है। तो जब शेख साहब को हम मिले, मुलाकात हुई, उनके हाल खैरियत दरियाफ्त की हमने, शेख साहब ने अपने बताया कि मैं खान साहब के साथ खड़ा हूँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि ये इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए और मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं उनके ख़िलाफ़ स्टेटमेंट दूं, और इसके अलावा ये चाहते हैं कि किसी भी तरह ये मुझे सिंध ले जाकर, 5 लोगों के उन्होंने नाम लिए जो मैंने कल भी बताया, 5 लोग, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्ला और बिलावल भुट्टो, ये मेरे कत्ल की साजिश करना चाहते हैं, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर ये मुझे मार भी दें तो भी मैं मरना मुझे कबूल है, लेकिन मैं इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा, और अपने हलके की आवाम के लिए उन्होंने कहा था कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, और अगर खुदा ने चाहा तो मैं उनके दरमियान आके ये इलेक्शन लड़ूंगा, अगर मेरी ज़मानत ना हुई और उनके मुकदमात की फहरिस्त बढ़ती गई तो फिर मैं जेल के अंदर से भी लड़ूंगा, आप सब जो हैं वो मेरे साथ खड़े हों। अभी क्या इतला था आपके पास, कब तक उनको पेश करेंगे, और आज का जो केस है आपको लग रहा है कि वो जुडिशल हो जाएंगे या पूरी आप जमानत करवा लेंगे? देखिए पहले ही जब इनकी तरफ से जो रिमांड की रिक्वेस्ट आई थी वो एक जेन्युइन रिक्वेस्ट नहीं थी, ये मुकदमा इटसेल्फ जो है वो जेन्युइन नहीं है। आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम इसकी प्रोसीडिंग का रिकॉर्ड अपने पास बुलवाया हुआ था। कल मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेकर गए, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको नोटिसेस जारी कर दिए हैं। अब नोटिसेस की पेंडेंसी के दौरान ये रिमांड लिया गया, और इनका मकसद सिर्फ यही था कि किसी तरह से इनको रिमांड में पे लेकर इनको तंग किया जाए और इनको ज़हनी और जिस्मानी टॉर्चर किया जाए, जो वो पूरी तरह से कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसी चीज़ है तो नहीं जिसमें जो उन्होंने रिकवर करनी हो। सब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर किसी शख्स का आपको रिमांड चाहिए तो उससे आपने रिकवर क्या करना है। यहाँ पर मुकदमा ये है कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दी और अदालत में चीख कर उन्होंने बार बार कहा कि मैं अपनी स्टेटमेंट के ऊपर खड़ा हूँ और मैं उसको एडमिट कर रहा हूँ। तो जब कोर्ट के सामने वो एडमिट कर रहे हैं तो किस चीज़ के लिए उनको फर्दर चाहिए? और इस पे कानून सुपीरियर कोर्ट्स के बहुत ज़्यादा मौजूद हैं कि किसी भी शख्स को गिरफ्तार करने से पहले रिमांड के लिए इसलिए नहीं दिया जा सकता कि उससे फोर्सफुली उसकी जो स्टेटमेंट है वो ली जा सके। तो आज का जो रिमांड है यकीनी तौर पर पहले भी गलत दिया गया था, आज हम पूरी तरह से कॉन्टेस्ट करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो प्रोग्रेस करनी थी, जिस टेस्ट का इन्होंने जिक्र किया था वो टेस्ट भी आज मेरी इतला ये है कि अभी फवाद चौधरी साहब के पैटर्न की तरह उनको भी जैसे रात को देर तक इस्लामाबाद से लाहौर लेके गए और फिर वापस लाहौर फिर लेके गए हैं, रात को मेरी इतला है कि उनको लेके गए हैं लाहौर फॉर द टेस्ट, लेकिन अभी तक वो वापस पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे। और एग्जैक्ट टाइम जो है मैंने कल जो पता किया था, उन्होंने कहा था कि मैं अराउंड 12 के करीब पेश करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई 3 से 4 या कोर्ट टाइमिंग जब ख़त्म होने वाली होंगी तो उसके करीब करेंगे। ठीक है, अच्छा जो कल शेर शेख साहब पर मुकदमा दर्ज हुआ उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, बिलावल भुट्टो की जो तहीन, क्या इस हवाले से आपकी शेख साहब से बात हुई? देखिए ये इस वक्त मेरी बिल्कुल बात हुई, उस पर उन्होंने एक और मजाया एक चुटकुला दिया, उन्होंने बस वो मैं यहाँ पे नहीं कहता। शेख साहब का जो रिमार्क्स थे वो बेसिकली तो उन रिमार्क्स के अंदर कहीं पे बिलावल भुट्टो का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा मैंने तो बिल्लो रानी क्यों कहा, मैंने तो उनका नाम ही नहीं लिया। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा
कि ये जो भी कर रहे हैं करते रहें, मैं इनसे डरता नहीं हूँ, ये बेसिकली मुझको मेरे ऊपर प्रेशर डालने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा से इमरान खान के साथ खड़ा था और खड़ा हूँ। इसके अलावा ये जो मुकदमा है, इसके मुकदमे की अगर आप पढ़ें तो जो इसके ऊपर दफात लगाई गई हैं तमाम दफात अवेलेबल हैं, और मैक्सिमम अगर ये केस कोई बनता है, पहले तो ये कि उनका नाम ही नहीं लिया गया, वो खुद कह रहे हैं कि हमें ये हमारे ख़िलाफ़ ये कहा गया है, और इन दफात पे कुछ भी नहीं हो सकता, ये झूठा मुकदमा है, सबको मालूम है। बेसिकली तो कोई क्रिमिनल ऑफेंस कमेटी नहीं हुआ, किसी के बारे में स्टेटमेंट देना, ये सब पाकिस्तानियों का एक फंडामेंटल राइट है कि अगर और इसी तरह दूसरे शहरियों को भी यह हक हासिल है कि अगर किसी की स्टेटमेंट से उनको कोई उनको दुख पहुँचता है या उनकी ज़ात को कोई नुकसान होता है तो उसकी रेमेडीज़ भी कानून के अंदर मौजूद है, जो कि क्रिमिनल रेमेडीज़ बिल्कुल नहीं है, सिविल हैं कि आप उनके खिलाफ डेफामेशन सूट फाइल करें। मैं फिर से मुझे ये डेफामेशन सूट से ये याद आ गया कि अब देखें कि जरदारी साहब जो हैं, जो मुकदमा शेख रशीद साहब पे बनाया गया, जरदारी साहब ने इमरान खान को जो जिन्होंने बेसिकली स्टेटमेंट दी और शेख साहब ने उनकी स्टेटमेंट को ही मानते हुए आगे चले हैं, और उन्होंने कहा है कि मैं चूंकि इमरान खान को अपना लीडर समझता हूं तो वो जो कहेंगे मैं उसको सच मानूंगा, उसी वजह से वो कहते हैं कि मैं आज तक अपनी बात के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। तो जरदारी साहब ने उनको डेफामेशन का एक सिविल की कार्रवाई का जो है वो नोटिस भेजा है, जबकि यहाँ पे जो शेख साहब हैं उनके ख़िलाफ़ इन्होंने फौजदारी मुकदमा कर दिया है। अब होना तो ये चाहिए था कि जिसने ये साजिश की है, जिसने ये कॉन्स्परेसी हैज की है, उसके ख़िलाफ़ आप जाते, आप ये कॉन्स्परेसी देखते कि एक मकबूल तरीन लीडर के ख़िलाफ़ अगर इस तरह की कोई कॉन्स्परेसी बनाई गई है तो फिर आप उसको इन्वेस्टिगेट करें, उन किरदारों तक पहुँचें, जरदारी साहब से आप तफ्तीश करें, बजाय इसके जरदारी साहब इसमें ज़ेर ताब हैं, जो विसल ब्लो कर रहे हैं, जो अवाम को बता रहे हैं कि ये मकबूल तरीन लीडर के ख़िलाफ़ ये साजिश हो चुकी है, आप उनके ख़िलाफ़ मुकदमे कर रहे हैं। तो ये सारी अजीब सी कार्रवाई है जिसका कोई ना सर है ना पाँव है, ये बस वक्ती तौर पर मैक्सिमम ये आज जो उन्होंने रिमांड लेना था इस मुकदमे में इन्होंने ले लिया है, आज इसको हम फुल स्ट्रेंथ के साथ इंशाल्लाह देखेंगे और खान साहब ये शेख साहब को जो है वो जुडिशल करवा कर जल्द से जल्द। अच्छा सर, पहले तोहीन अदालत होती थी, फिर तोहीन इलेक्शन कमीशन हुई, अब तोहीन बिलावल भुट्टो भी होगी, तो इस बारे में क्या कहेंगे कि ये सारे कोई अलमिया की गायें हैं, मुकद्दस गायें हैं, इनके खिलाफ बात नहीं हो सकती जो तोहीन बिलावल भुट्टो का मुकदमा दर्ज हुआ? देखिए, ये देखिए कि जब अख्तियार आता है तो उसका जो इस्तेमाल है वो आप डिफाइन करता है कि आप कैसी शख्सियत हैं। अब ये जिस किस्म के मुकदमात बनाए जा रहे हैं, जिन आप ये देखें कि ये कानून का मजाक है, कानून के अंदर चीज़ें वाज़े तौर पर लिखी गई हैं, कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ किया जा रहा है जो इस मुल्क के जिन्होंने खिदमत की है। शेख रशीद साहब इस मुल्क के सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियन है, अगर आप ये कहें कि सब कॉन्टीनेंट में सबसे सीनियर हैं तो उसमें भी कोई दो राय नहीं होगी। इस वक्त पाकिस्तान के सबसे सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियन जो 16 दफ़ा मुख्तलिफ वजारतों पर रहे, फेडरल मिनिस्टर रहे और जिनकी बेशुमार खिदमात हैं रावलपिंडी के अवाम के लिए और पाकिस्तान पूरे के लिए, तो उनके साथ जिंदगी और उम्र के आखिरी हिस्से में जब वो 73 ईयर्स ओल्ड हैं ऐसी कर ट्रीटमेंट देना उनको, ये बहुत ज़्यादती है। शेख साहब ये कह रहे थे कि मुझे ये फिज़िकली तो कोई टॉर्चर नहीं कर रहे, लेकिन ये मुझे बिस्तर नहीं देते, मैं बुज़ुर्ग हूँ, 73 साल मेरी उम्र है, सर्दी में मुझे बैठा के रखते हैं, मुझे कोई ब्लैंकेट नहीं देते, कोई रज़ाई नहीं देते, कुछ सर्दी से बचाव के लिए मेरा कोई इंतज़ाम नहीं है, बाकी तो सब मैं बड़े जो है वो खुले दिल से और खुले सीने के साथ ये सब बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन सर्दी एक ऐसी चीज़ है कि जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। भूख हड़ताल का कहा था शेख साहब ने? जी, वो शेख साहब अभी मेरी जो कल बात हुई उन्होंने, वो बिल्कुल भूख हड़ताल पर भी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आखिरी बता दें, आपने कहा वो चुटकुला शेख साहब ने कहा, उनके चुटकुले लोग इंजॉय करते हैं अगर आप बता देंगे तो, क्योंकि ये डिजिटल है तो लोग सुनना चाहते हैं। शेख साहब ने जो चुटकुला जब जिक्र आया कि कराची में आपके खिलाफ FIR हो गई है, उन्होंने कहा कि ये मेरा जो यूरिन है उसके साथ एक्सचेंज करना चाहते हैं और आपको पता है उसकी अदाएँ क्या हैं और क्या नतीजे आएंगे। बहुत शुक्रिया।